तो गाइस सर आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं खेलने वाला हूँ फॉल लाइट 84। ये गेम भी पबजी बीजीएमए की तरह एक बैटल रॉयल गेम है, तो यार मजा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। फिलहाल तो मैं ये एनिमेशन देख रहा हूँ कैसा चल रहा है भाई। ये सब व्हीकल अगर गेम के अंदर हो गए ना तो तबाही मचने वाली है। अभी ये कौन आ गया मॉन्स्टर ट्रक लेके, ये तो डग लग रहा है। ये सब अगर व्हीकल मिल जाए ना गेम के अंदर मजा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ गाइस। चलो गेम स्टार्ट हो गया, जल्दी से मैं एक मैप सिलेक्ट करता हूँ और गेम को स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ गेम खेलने में मजा आता है कि नहीं। एक मैप तो अनलॉक हुई पहले से, इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या नाम है? सनसेट सिटी। ठीक है स्टार्ट करता हूँ मैं। कितनी देर में मैच मेकिंग होता है वही देखता हूँ। मैच मेकिंग जो लिखा हुआ है ना एकदम फॉन्ट फ्री फायर की तरह ही है। ये गेम का लॉबी है, मैं ग्राफिक मैक्स कर रहा था तब तक यार टाइम ही निकल गया। इतना ही देख लो आप लोग लॉबी कैसा है। यहाँ पे आप लोग को गन भी मिल जाएगा लेकिन कोई बंदा मार नहीं सकता आप लोगों को, आप लोग भी किसी को मार नहीं सकते, जस्ट ऐसे ही मजे के लिए फायरिंग करते रहोगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है यार। एपेक्स लेजेंड में जैसे होता है ना लास्ट में जाकर कैरेक्टर दिखाते रहते हैं, ये लिया ये कैरेक्टर, वो लिया वो कैरेक्टर, वैसा ही दिखाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। चलो अभी मैं आ चुका हूँ मैच के अंदर और सबके पास एक एक कैप्सूल है। फ्री फायर और पबजी में ऐसा होता है ना प्लेन के अंदर सभी बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबके पास एक एक कैप्सूल है। मैं कहाँ पे उतरूँ यार भाई, मैप पे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं नीचे ही देख के उतरूंगा। मैप तो पूरा ब्लू कर दिया है इन लोगों ने, मैप को ठीक करना चाहिए, ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे उतरना है। कुछ ठीक ठाक से दिख भी नहीं रहा मैप के अंदर। और ये शायद एवेंजर बिल्डिंग है क्या? एकदम डिट्टो ऐसा ही लग रहा है यार, सच बोल रहा गाइस। आप लोग भी कौन ने बताना ये वैसा लग रहा है कि नहीं, एवेंजर बिल्डिंग या फिर स्टार्क बिल्डिंग, क्या बोलते हैं यार, मैं ही खुद ही नाम भूल गया। चलो अभी तो फिलहाल उतरता हूँ। और ये जो उतरने वाला सिस्टम है ना, जैसे कि देख लो आप लोग यार, सेम टू सेम एपेक्स लेजेंड की तरह लग रहा है। मैंने एपेक्स लेजेंड खेल के रखा है। वैसे ये गेम का पीसी में अवेलेबल है फॉल लाइट 84, मुझे नहीं पता, जितने भी मेरे टीममेट्स हैं सबके सब इंडियन ही है। मतलब ऐसा होता है ना आप लोग अगर इंडिया के सर्वर में स्टार्ट करोगे तो शायद इंडियन प्लेयर्स ही आएंगे, ऐसा तो मुझे लगता है, क्योंकि यार सभी के सभी प्लेयर इंडियन है। एपेक्स लेजेंड में सारे प्लेयर यार वर्ल्ड से आते थे, कोई आता है चाइना से, कोई आता है कोरिया से, ऐसा होता है। यहाँ पे तो सारे के सारे टीममेट यहाँ पे इंडियन ही है। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ से M10 मिला, M10 नहीं है लेकिन M10 की तरह ही दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम M10 की तरह लग रहा है। यहाँ पे क्या मिला? शील्ड। और ये AK-47 है क्या भाई? AK-47 नाम तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा लग भी रहा है लेकिन उतना भी मैच नहीं कर रहा। इन लोगों ने थोड़ा शेप बदल दिया AK-47 का, M10 का भी। ये तो M10 ही है मैं पक्का बोल सकता हूँ, ये M10 ही नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने। और लूट वूट भी देख ही सकते हो यार, एकदम एपेक्स लेजेंड की तरह ही है। गाइस नीचे मैंने अभी भी एक व्हीकल देखा, जल्दी से जाके उसको लेता हूँ। अगर मैं इस वाले बटन को नीचे क्लिक करता हूँ ना, देखो देखो जंप भी कर सकता हूँ और इससे शायद थोड़ा तेज दौड़ सकता हूँ, मैं भी ड्राइव करता हूँ। भाई ये क्या सीन है यार भाई सब, ये क्या है कार के अंदर? ये इलीगल नहीं है क्या भाई? ये तो फेयर नहीं हुआ, मैं तो फिर गाड़ी लेके घूमूंगा। जैसे फ्री फायर में बंदे रैंक पुश करने के लिए मीशा लेके घूमते यार, मीशा लगाते और बाइक लेके घूमते फिरते। गाइस सर ये चीज़ देख के मजा आ गया, मुझे एक बंदे को ढूंढना और देखना है कि डैमेज कितना ज़्यादा पड़ता है। अगर अच्छा खासा डैमेज हुआ ना भाई तो यार ये फेयर नहीं हुआ, क्योंकि यार अगर कोई बंदा कार ही लेके घूमेगा तो यार वो तो आराम से मार देगा ना किसी भी बंदे को। और ये ट्रांसफॉर्म भी होता है, देखो कैसे रोबोट में बदल गया और आग भी फेंक रहा है अभी अभी, तो इस आग से मैं एक स्कॉट को आराम से मार सकता हूँ यार। सामने और एक व्हीकल है, उसको भी ट्राई करूँगा, इसको थोड़ा और देख लेता हूँ। और इसका शायद रोबोट वाले फॉर्म में मैक्स स्पीड शायद 30 है ऐसा कुछ, और जंप भी कर सकते हैं ये, आप लोग बिल्डिंग के ऊपर भी चले जा सकते हो। इसको एक बार ट्राई करता हूँ, ये कुछ अजीबोगरीब से लग रहा है यार। ये मिलिट्री व्हीकल है शायद, टैंक बनेगा क्या भाई साहब? यार सच में टैंक बन गया कैसे? एक मिनट आप लोग ना रिलोड देखो कैसे रिलोड कर ले, पीछे देखना क्या एनिमेशन है यार। फ्री फायर के अंदर भी ऐसा होता ना तो मज़ा आ जाता, फ्री फायर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुराई नहीं करोगे, जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। अच्छा लगा ये चीज़ देख के, पीछे रिलोड हो रहा है उसका एनिमेशन भी दिख रहा है, वैसे कुछ कुछ गेम में तो नहीं होता। सामने एक बंदा दिख गया, इसका मैं डैमेज चेक करता हूँ। ये रहा बंदा, कितना गंदा डैमेज आया भाई, और एक गोली मर जाएगा, जस्ट और एक गोली नॉक, कितना गंदा डैमेज है भाई। ऐसे तो मतलब भाई यार ये क्या चीज़ है गेम के अंदर? मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी देखा था ऐसे बहुत सारे व्हीकल है, लेकिन वहाँ पे मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वायर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ग्राउंड पे ऐसे ऐसे चीज़ है तो यार जो बंदा नीचे ऐसे ही घूम रहा है पैदल, वो मेरे को कैसे मारेगा? व्हीकल का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग इस वाले व्हीकल को देख लो, ये बाइक लेके बंदा है, इसको तो मैं आराम से मार दूंगा, क्योंकि यार मेरे पास टैंक है और इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा। देखो ये उतर गया, नॉक हो गया, अभी इसके गाड़ी में फूट जाएगा, कितना भयंकर डैमेज है भाई। यहाँ पे फुटेस्ट है भरा बंदा कहाँ पे यार? ये रहा ये रहा पीछे खड़ा है, रिलोड होने दो, रिलोड हो गया, यहाँ पे मारता हूँ भाई, डैमेज नहीं है। ये क्या मार दिया बे यार, ये क्या मार दिया यार, एकदम राउंड हो गया। और मेरा कार का स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, एकदम स्लो मतलब एकदम ही स्लो हो चुका है, 9 का स्पीड दे रहा है भाई, इतना ज़्यादा स्लो हो गया, वो क्या था यार, स्लो मोशन का दवाई था क्या? रिलोड करता हूँ और आप फिर उसको मारता हूँ कहाँ पे, कि ये रहा मेरे सामने ही खड़ा है, मर जा भाई। अरे रुक जा यार, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया है, सेंसिटिविटी पहले नहीं था यार, मैंने 100 कर दिया यार, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी हो गया है। और ऐसा स्मूथ पे सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब ऐसा स्मूथ घूम जाता है ना फ्री फायर पबजी के अंदर, वैसा नहीं है। क्या हो रहा है, लैग लैग करके घूम रहा है, मतलब लैग लैग बोले तो देखो
स्क्रीन को घुमा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा अटक अटक के घूम रहा है, पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गेम में लैग नहीं हो रहा, वो जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा सा अटक अटक के घूम रहा है, जो वो क्रॉस हेयर होता है। दूसरे गेम्स में यार बहुत स्मूथ घूम जाता है एक लाइन पर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और ये केकरा एक मिला है, केकरा है भाई, पूरी स्क्वाड जा रही है नदी से, मारता हूँ। कुछ हुआ कि नहीं यार? कुछ भी नहीं हुआ यार, होल्ड करके मारा फिर भी कुछ नहीं हुआ। और एक बंदा आ रहा है, इसको भी मारता हूँ, एम करके मारना पड़ेगा शायद, लग गया अभी, फिर भी नहीं लगा, लाल हुआ था तो वहाँ पे। और एक बार मारता हूँ, ये लास्ट रही है भाई साहब, मर ही नहीं रहा इससे। अबे नीचे नहीं जाना था, ऊपर जाना था, उसको लेके आता मैं, नीचे ही चला गया। चलो एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। और यहाँ पे और एक है, इसको भी ट्राई करता हूँ यार, ये कुछ नया लग रहा है, शायद ये नया नहीं है, ये वही है, वही है, ये वही है यार, ये फालतू है यार, वो जो है बबल वाला मारता है ना वो फालतू है, लेकिन रोबोट वाला मेरे को अच्छा लगा। उसमें आग फेंकता है ना बंदा, आराम से मर जाएगा। सामने चलता हूँ, इसका तो कुछ डैमेज ही नहीं पड़ रहा। इसमें क्या फीचर है कुछ समझ ही नहीं आया, ये शायद मेरे स्क्वाड के ऊपर ही मारना होगा, तो ये प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा या फिर इसको डैमेज पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोबोट में बनता हूँ, कहाँ पे क्या रहे तू? सामने 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 भाई, आग फेंकूंगा यार, कितना गंदा, नहीं नहीं लगा ही नहीं यार, कितना गंदा डैमेज दिख रहा है, देखो भाई साहब इतना, इसका हेल्थ पूरा खत्म हो गया है। अबे रुक जा यार, रिलोड हो रहा है, मतलब रिलोड क्या, वो हीट हो जाता है ना सामने, वो हो रहा है हीट की वजह से वैसे रुक जा रहा है। चलो इसको तो मैंने नॉक कर दिया, यहाँ पे और एक है, इसको भी नॉक करता हूँ। उतना अच्छा डैमेज नहीं है इसका, फिर भी ठीक है भाई, तुम ऐसे मजे मजे में बैठ के मार रहे हो तो यार ठीक ही है, आराम से किसी भी बंदे को मार सकते हो। और ये कौन आ गया भाई, ये स्पाइडर लेके, ये स्पाइडर है, स्पाइडर ही है ना, स्पाइडर ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया गेम के अंदर, इतना ब्लैक क्यों हो गया? मैं बाहर चलता हूँ यार, कुछ हुआ है यहाँ पे। हाँ मैंने बोला था ना कुछ हुआ है यहाँ पे, यार गेम के अंदर बहुत सारे स्पेशल स्पेशल एबिलिटी है, तो किसी ने शायद कुछ यूज़ कर दिया था, इसलिए मैं देख ही नहीं पा रहा था कुछ भी। या फिर अंधाधुंध में आग फेंकूंगा, जो भी होएगा सबको मार दूंगा यार। तो अबे यार मैंने अपना हेल्थ ही नहीं देखा, सबने मुझे मार दिया यार, क्या यार। फिर से एक मैच स्टार्ट करता हूँ, इस गेम के अंदर और भी बहुत सारे व्हीकल है। यहाँ पे गाइस देखो, लास्ट टाइम मैंने इस व्हीकल को यूज़ किया था ना नदी के अंदर, इसमें और एक फीचर है, मैं स्कोप करके भी मार सकता हूँ। देखो 8x तक जूम होता है, देखो यार 8x तक जूम होता है, मतलब सोच सकते हो, तभी अगर मैं स्कोप करके मार देता हूँ वो सब मर जाते। इसको छोड़ो अभी, यहाँ पे और एक व्हीकल है, इसको ट्राई करता हूँ। ये कुछ बोट जैसा लग रहा है, इसको मैं पानी में चलाऊंगा, राइट साइड पे मेरे एक नदी है, वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे यूज़ करता हूँ उसको। इसके साथ डैमेज ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने देखा इसका डैमेज उतना खासा नहीं है। मैं नीचे चलता हूँ और इसको पानी में चलाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा है। और यहाँ पे सब व्हीकल के अंदर ना एक एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा, उसका सुपर पावर बोल सकते हो आप लोग, जैसे कि इसके अंदर है एक्सेलरेशन का, ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, तो इसको मैंने यूज़ कर दिया, अच्छा खासा स्पीड हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन ठीक है, फिर भी यार ठीक है। सच बोलूँ तो गाइस इस वाले गेम को खेलने में यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब बारी है आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाने की, इस वाले व्हीकल को मिले तो एक बंदा मार रहा है, पहले इसको लेता हूँ और आप लोगों को इसका खासियत दिखाता हूँ। पहले मैं मेडी करता हूँ, ये रहा बंदा, भाई रुक जा यार, तू रुक जा, कैसे बचेगा तू, मैं ट्रांसफॉर्म कर लिया हूँ, अभी देखना क्या होता है। इसके ऊपर निशाना कर दिया है मैंने, कितना ज़्यादा मिसल गया। और आप लोग रिलोड भी देखो, एक एक करके मिसाइल वहाँ पर रिलोड हो रहा है, ठीक है, नीचे देखो, नीचे जहाँ पर मिसाइल लगा हुआ है, कितना शानदार फिजिक्स है भाई, सब कुछ यार बढ़िया है इस गेम के अंदर, आप लोग बोल ही सकते हो, लिखो क्या मज़ा आ रहा है भाई। लेकिन ये सब अगर फ्री फायर में भी होता तो यार मज़ा आता भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मज़ा आता यार, सच बोल रहा हूँ, ऐसे रिलोड कर रहा है, एनिमेशन दिखा रहा है, मज़ा आता है यार गेम के अंदर। सामने से सेम टू सेम और एक व्हीकल जा रहा है, पहले उसको मारता हूँ। और ये जो सर्कल बन रहा है ना जहाँ पे मिसाइल गिरता है, ये उसको दिखता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यार मेरे ऊपर अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया। इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारा मिसाइल छोड़ दिया है यार, थोड़ा आगे मारना चाहिए था तभी ये मर जाता। और एक बंदा जा रहा है, पहले इसको मारता हूँ, ये जा रहा है ऊपर से, रिलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है यार, इतना ज़्यादा मिसाइल भी छोड़ता है एक साथ। नॉक हो जाना चाहिए, नॉक हो जाना प्लीज़ भाई, नॉक हो जाना, एक का 100 का डैमेज आया, चलो नॉक किया, बच ही नहीं सकता भाई। आप लोग एक स्क्वाड को भी मार सकते हो, उतने एरिया में एक स्क्वाड बैठ जाता है यार, अगर ओपन में होगा तो यार हो जाता है, एक स्क्वाड तो हो ही जाता है। और एक वो फिर से आ गया, सामने चलता हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्म, चलो हो गया, ये खड़ा है यहाँ पे, कितना ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर मिसाइल मार दिया, नॉक हो जा प्लीज़, नॉक हो जा, गया बंदा गया, 10 किल कर लिया भाई, 10 किल कर लिया। और इसका व्हीकल का हालात ही बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ पे और एक बंदा है, इसने भी वो वाला चीज़ को यूज़ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, 16-16 डैमेज होता है, उतना भी बुरा नहीं है। सामने एक बंदा है, इसको मैं मारूंगा, पहले डिलोट कर लूँ, डिलोट हो गया है, अभी ये गया, ख़त्म, ये ख़त्म, इसके ऊपर ही गिरा, पहला भला बम्मी इसके ऊपर गिरा, ये कैसे बचेगा भी बताओ, इसको भी मैंने मार दिया है। और गाइस आप लोगों को अगर फॉललाइट 84 का और भी गेम प्ले चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा और रिस्पॉन्स आया तो मैं और भी वीडियो छोड़ूंगा। और ये व्हीकल मेरा फेवरेट बन चुका है यार, कितना गंदा डैमेज है इसका, कोई भी बंदा बच ही नहीं पा रहा इसके हाथ से। यहाँ पे और एक मैं मिसाइल मारता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा जरूर होगा, पहले मेडी कर लेता हूँ यार, हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, हेल्थ का मैं ख्याल ही नहीं रखता, कभी कभी मर ही जाता हूँ। यहाँ पे और एक मैंने मार दिया, कोई होगा तो फूट जाएगा, मैंने देखा था यार वॉल के पीछे कोई ना कोई तो है, मैंने देखा था थोड़ा सा, है कोई ना कोई तो है, ये रहा, इसके ऊपर मारता हूँ, अभी अंदर चला गया यार, फिर भी मार देता हूँ, शायद अंदर भी चला जाए,
नहीं यार अंदर तो नहीं गया, लेकिन हल्का सा डैमेज आया, हल्का सा इतू सा डैमेज आया। इसको बाहर आने दो, बंदा बाहर आ चुका है, रिलोड जस्ट एक हो गया, हो गया, हो गया। अभी मार दो, बंदा मर जाना चाहिए, मर जा प्लीज मर जा, गया बंदा। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई इस मिसाइल को यूज़ करने में, मतलब इस व्हीकल को यूज़ करने में। पहली बात तो देखो, इसको अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ करोगे तो भाई कोई भी बंदा बच ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये है, इसको यार फोड़ना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। सामने एक स्क्वाड है, इनको के ऊपर भी मारता हूँ, एक बंदा नॉक हो चुका है, ये बंदा ओपन में जा रहा है, होशियार बन रहा है, इसको भी नॉक करता हूँ। अभी थोड़ा पीछे जाना पड़ता है अगर शॉर्ट रेंज में फाइट हुआ तो, यहाँ पे मारता हूँ, दोनों बंदे खत्म होना चाहिए। पीछे वाला गया, पीछे वाला गया, सामने वाला भी गया भाई, एक तीर से डबल निशाना, पीछे से मार रहा है एक बंदा। भाई तेरे को डर नहीं लगता क्या, इसी स्क्वाड का बंदा होगा, इसको भी मारता हूँ। ये तो गया एकदम सेंटर पे, ये गया गया, चला जा भाई, क्यों नहीं जा रहा भाई, चला जा, चला खत्म। मैंने कर लिया इस गेम के अंदर 15 किल और लास्ट एक ही बंदा बचा है। और आप लोग मेरा व्हीकल का हालात भी देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा बुरा हालात है। ऊपर एकदम सेम टू सेम एक व्हीकल है, उसको जाके लेता हूं यार, क्योंकि किसी ने अगर मेरे व्हीकल के ऊपर गोली मार दिया ना भाई, लास्ट वाला बंदा है तो यार अच्छा ही खेलने वाला होगा। गया भाई, मैं तो मर जाऊंगा, ऊपर चलता हूं और उसको लेता हूं, एकदम सेम टू सेम है। पीछे यार हालात भी देख सकते हो, और ये भी केकरा जैसा है, एकदम केकरा। कितना प्यारा है इसका, 5 है या फिर 6 है, सामने से था 6 ही होगा। भाई सब मार रहे हैं साइड से, मारा इसको लेने दे भाई, रुक जा, इसको लेता और मेडी मारता हूँ। अरे चला जाना अंदर, चलो इसके अंदर आ गया, मेडी मारता हूँ। अरे यार मार ही दिया भाई सब, ये विन ले लिया यार। मैंने सोचा था कि मैं बाद में मेडी करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो। तो गाइस सर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर गेम प्ले पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना कि इस गेम का आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।